कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए जो 18 माह का डीए एरियस था उस पर फाइनल डिसीजन आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। क्या रहा फाइनल डिसीजन, क्या कर्मचारियों के पक्ष में रहा, क्या कर्मचारियों के पक्ष में नहीं रहा, पूरा डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, घंटे के निशान को जरूर दबाइए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज की कंटिन्यू आगे भी वॉच कर पाएंगे। हम ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स कंटिन्यू आप सभी के लिए ऐसे ही लाते रहते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि जब कोविड हुआ पिछले 2 साल से, तो उस टाइम पे 18 माह के लिए सरकार ने डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। फ्रीज करने के बाद में उसके बाद में फिर से अनफ्रीज हुआ और फाइनली अभी आपको 34% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि इस महीने की सैलरी और पेंशन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी जो एरियर्स है 2 से 3 महीनों का, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन उसी बीच जो 18 महीने का डीए का जो एरियर्स था वो उसी टाइम मना कर दिया गया था, लेकिन जो है कर्मचारी और यूनियंस फेडरेशन सरकार से लगातार बात कर रहे थे। अब जो है उस पर एक फाइनल डिसीजन आया है, बहुत बड़ा डिसीजन है, पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। बेसिकली महंगाई राहत की तीन जो किस्तें थी फ्रीज करने से केंद्र सरकार ने जो क्लियर, केंद्र सरकार का क्या आया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशन भोगियों के तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापिस रखी गई महंगाई राहत स्पेशली डीआर की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए की कुल राशि 34,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो है पिछले डी और डीआर की राशि को अब जारी नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक शाखा है। सोमवार को ही बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेंशन भोगी कल्याण मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह ने की, और वहां पर जो है डी और डीआर के जो 3 किस्ती जारी करने का प्रस्ताव था, जो एरियर्स था, उसको जो है वहां पर मना कर दिया गया। और इसके अलावा जो है वित्त मंत्रालय और डीओई ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। 21 जुलाई को प्रतिबंध या फीस हटाए गए डीए और डीआर में 3 जो बद्दी थी उसमें बद्दी देखी गई, जो प्रभाव रूप से उसको दोगुना कर देती है। लेकिन जो है अप्रैल 2020 से डीआर जो फ्रीज किया गया था उसको जो है अभी तुरंत प्रभाव से मना कर दिया गया कि सरकार उसको अभी प्रोवाइड नहीं कराएगी। अब आगे आने वाले दिनों में इसमें कुछ ना कुछ फिर से अपडेट आएगा, क्योंकि जो कर्मचारी और पेंशनर्स की यूनियंस और फेडरेशन है वो लगातार जो है सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसे मना कर दिया गया। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में फिर से इस पर कोई ना कोई बात हो या कोई ना कोई अपडेट हो तो उस पर जरूर हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए कि अभी कर्मचारियों और पेंशन के जो 18 महीने का डीए और डीआर था उसको फाइनली मना कर दिया गया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।